प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। क्योंकि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, जो कि हमेशा भारत में जैसे इलेक्शंस हुआ करते हैं प्रॉपर तरीके से, ऑडियंस जो है, या ऑडियंस कह रही हूँ बल्कि पब्लिक जो है आपकी, वो आपको वोट दे देगी, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर वोट दे देगी, चाहे वो अपोजिशन को दे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे। तो उसमें हमें क्यों आप लोग घसीटते हैं यार? मतलब एक पार्टी जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, दूसरी कह रही है चूड़ियां पहना देंगे। तो मैं कह रही हूँ कि हमें साइड पे रहने दे, हमारे अपने बड़े जो है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं उसके बीच में आप लोग हमें चूड़ियां पहनाने पे तुले में। वैसे ये कि आई एम श्योर के वहां चूड़ियां बड़ी अच्छी मिलती होंगी भारत में, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमारे पास भी है, मैंने यहाँ भी रखी है, ये देखें हमारे पास खुद की चूड़ियां है, हमें चूड़ियां मत भेजो। ऐसा है आरजू जी, आपके पीछे एक बहुत खूबसूरत गौतम बुद्ध जी की तस्वीर का स्टैचू रखा हुआ है, एंटिक पीस से शायद। और मैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, और मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस में भी लिखा हुआ है, कर्मा इज बूमरैंग, कर्मा इज बिच, आप जैसा बोओगे आप वैसा पाओगे। जन्नत और जहन्नम की तस्वीरें किसी के पास नहीं है, वीडियो किसी के पास नहीं। 400 सीटों पर बैठने वाली कांग्रेस यही हिंदू मुस्लिम कर करके आज 40 सीटों पर पहुंच चुकी, और 40 से कोई ठीक नहीं है कि 20 सीटों पर पहुंच जाएगी, यही हिंदू मुस्लिम कर करके। देश की तरक्की को उन्होंने कभी भी महत्वपूर्ण नहीं समझा, देश की एकता को बनाए रखने को कभी भी उन्होंने वैल्यू नहीं किया। चूड़ियां नहीं पहने हैं, ये कांग्रेस के शब्दावली है। तो स्टार्ट कौन करता है? अब हमारा क्या कहना है कि आप छेड़ो मत, अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब मेरा मानना है कि आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हालात बन चुके हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा तो किया हुआ नहीं है ना, ये आपका ही बीज बोया हुआ है और वही आप काट रहे हो। 77 साल में आप चाहते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप वाकई में जन्नत बना सकते थे। आप हमारे मुंह पर चढ़कर बोलते कि देखो हमने कितना खूबसूरत बना दिया, हमने तो इसको वाकई में जन्नत बना दिया। क्योंकि 2018 तक 17 तक तो वाकई में हमारी कश्मीर जो है वो जहन्नुम ही चल रही थी। हम तो आर्टिकल 370 हटने के बाद वाकई में मेरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जन्नत में तब्दील हुआ। आज जम्मू एंड कश्मीर में तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, सक्सेस हो रहा है, अचीवमेंट्स हो रहा है। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, उन बच्चों के हाथ में स्कूल की किताबें हैं, पेंसिल है। जो बच्चे टायर जलाते थे, तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के घूमते थे, आज वो नौजवान जो है तिरंगा झंडा लेकर के घूम रहे हैं। तो आज हमारे पास चेहरा है कि मैं आरजू कासमी जी के चैनल पर बैठ करके ये बोल सकती हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व ने वाकई में हमारे जम्मू एंड कश्मीर को जन्नत बना दिया। अगर आप चाहते तो आप भी कर सकते थे। अब आप देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान वाकई में जहादियों के लिए जन्नत है, वाकई में। क्योंकि आपके आपकी सरकार जाकर के भैया यूएन में बोलकर आती है, इंटरनेशनल कोर्ट में बोल के आती है कि हमारे यहाँ आतंकियों को भारत में कोई घुस के, भारत का कोई आदमी घुस के मार रहा है। ये तो आपके लोग बोलकर आते हैं, एक्सेप्ट करके आते हैं, तो इसमें हम क्या करें? अब देखिए, पाकिस्तान में 99.9% मुसलमान, फिर भी बम, गोली, बारूद, हत्या, खून सब चल रहा है, सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? जिस देश में 99.9% मुसलमान हो, वहां तो बम, गोली, बारूद की आवाज तो क्या, एक पटाखे की आवाज भी नहीं आनी चाहिए थी, अगरबत्ती की सुगंध आनी चाहिए थी और गुलाब फूल का सुगंध आना चाहिए था। जिस देश में 99.9% मुसलमान है, पर वहीं से सबसे ज्यादा बम, गोली, बारूद की आवाज आती है। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि अच्छा, ये भी नहीं समझ में आता है कि आपके यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बड़ा है ना हाईकोर्ट बड़ा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके
गुज़श्ता वज़ीरे आज़म को उम्र कैद की सजा सुना दी और आपके हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं वो बाहर भी निकल सकते हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फिर से सदर भी बन सकते हैं। तो आपके यहाँ सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब दूसरी चीज है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कल तक आटा, बिजली, रोड, हॉस्पिटल के लिए एहतजाज कर रहा था, अपनी आवाज ऊंची कर रहा था, तो तब पाकिस्तान की सरकार आसिफ मुनीर से लेकर के शहबाज शरीफ तक के कान क्यों नहीं खड़े हुए कि हम भैया इनको आटा, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल दे देते हैं। तो ये जो आवाज है ये आजादी में तब्दील नहीं होती। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग क्या कर रहे हैं, आटा, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसा से अब आजादी का नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान के झंडे को छोड़ करके अब वो भारत के झंडे को हाथ में लेकर के कह रहे हैं कि हमें जोड़ो, हमें जोड़ो, हम भी भारत के जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखें बिल्कुल पाकिस्तान से यहाँ पे गलती तो हुई और ये बात अभी इस वक्त की जो प्रोटेस्ट चल रही है उस वक्त हम लोग नहीं कह रहे, ये काफी टाइम से हमारा मीडिया जो है और हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट और हम लोग बात कर रही है और बातें कि हमारी बात सुनी नहीं गई और अब जब लोग बाहर आ गए और लोगों ने शोर मचाया, अब तो आज तो खैर केपीके में भी शुरू हो गया है, तो शायद यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कोई अक्ल आएगी। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शंस के दौरान हमने हमेशा देखा है जब इलेक्शंस होते हैं भारत में तो पाकिस्तान का नाम जरूर लिया जाता है और मेरे ख्याल है लिया जाता रहना चाहिए, तो एक थोड़ा रहती, थोड़ी गर्माहट रहती है, थोड़ी एक्टिविटी रहती है। मैं आरजू जी इस चीज में एकदम आपको बड़ी जिम्मेदारी से वायदा कर रही हूँ कि भारत में जब तक कांग्रेस के दो MPs भी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के दो MPs भी रहेंगे, वो पाकिस्तान की प्रशंसा और तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ क्योंकि हमें पाकिस्तान बहुत खुशहाल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जिक्र भी नहीं करना है। पाकिस्तान बर्बाद है तो भी हमें कोई दिक्कत भी नहीं है और हमें जिक्र भी नहीं करना है। अगर हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी करने का हमें कोई हक नहीं होता है। अब क्योंकि कभी नवाज शरीफ मंच पे चढ़ा करके यासिन मलिक की बेटी से आजादी का नारा लगवा देते हैं, कभी अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार जो है वो कहता है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, तो जो पाकिस्तान आज आटे, चावल, रोटी के लिए भीख का कटोरा लेकर के घूम रहा है, तो सही कहा मोदी जी ने, सही कहा कि भाई अगर चूड़ियां नहीं है तो बोलो हम भेज देते हैं, पहना दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक कोई नया तो मैं पॉलिटिकली ग्राउंड पर नहीं हूं, बहुत पुराना भाई 14 साल के बेटे की माँ हूं, कोई बच्ची बैठी भी नहीं हूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बलोच पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो चुका है, जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के विरोध में खड़ा हो चुका है, जैसे जिस तरीके से सियालकोट से कई कई बार आवाज आ चुकी है, जिस तरीके से सिंध प्रोवान से कई बार आवाज आ चुकी है, बीच में महारंग ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सारे लोग एकजुट होकर के मिल करके शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ मुनीर को यही पाकिस्तान की महरम जैसी बेटियां चूड़ी ना पहना दे, हमारी जरूरत भी ना पड़ेगी। नहीं खैर चीजों को इस हद तक नहीं बिगड़ना चाहिए और आई विश एज अ पाकिस्तानी सिटीजन के कभी पाकिस्तान जो है और वहां पे जो चीजें यहाँ पे यानी गलत चल रही हैं वो ठीक हो और यकीनन एक सही तरीके से जो है भारत भी हमारी तारीफ करे, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग भारत की तारीफ करते हैं और बाकी छोटी मोटी चीजें तो भाई चलती ही रहती हैं। बाकी झूठी तारीफ, पाकिस्तान की झूठी तारीफ करने के लिए तो कांग्रेस है ही नहीं नहीं कुछ सच्ची तारीफ भी होती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सारा कुछ गलत ही है, यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा भी है। बहुत शुक्रिया नाजिया कि आ जा पाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोली बल्कि जो कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति प्रेम है उसको भी उजागर किया। और आपने देखा कुछ भारत के मंत्री पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाना चाहते हैं और कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, अब फैसला आपके ऊपर है। और आपने देखा कैसे कि नाजिया खान जी ने कांग्रेस की भी पोल खोली कि हिंदू मुस्लिम करते हुए कांग्रेस जो है वो 400 से 40 पे आ गई, तो इस बार आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीटें निकाल पाएगी और बीजेपी कितनी? जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।